आज हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस के सेट 5 को देखेंगे, तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले मैंने सेट 1 से लेकर 4 तक करवा चुका हूँ, अगर वह वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं। तो चलते हैं इस सेट के क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, मिट्टी को हम लोग लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, निर्गत कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, साइन आई बाई साइन आर किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि वाली आँखों साफ साफ देख सकती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, दूर की वस्तुओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लाल रंग का जो झुकाव होता है अधिक होता है स्पेक्ट्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, कुंडली में धन और त्वरण का चिन्ह नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 30 ओम होगा जब हम 10 ओम और 20 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है, तो कितना जूल कार्य किया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 24 जूल काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज काम करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर विद्युत फ्यूज काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडलीय के गर्म में रख दिया जाए तो क्या बनता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, विद्युत चुंबक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोवाट तुल्य है, मतलब 1 किलोवाट में कितना जूल होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, 3.6 × 10⁶ जूल होता है 1 किलोवाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, यूरेनियम आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर जल का अपघटन होता है H2 और O2 मुक्त होता है, H और O के आयनों का अनुपात है, कितना होगा आयनों का अनुपात? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 2:1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, उपचयन अभिक्रिया है भोजन का पचना और तथा पकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण F2+H2O F2O3O4+H2O को समतुल्य करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, सी मतलब 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल से विद्युत धारा प्रभावित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, क्लोरोक्षार प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी का आण्विक सूत्र क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, C12H22O11 चीनी का आण्विक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर किस पीएच परास के अंतर कार्य करता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, 7 से लेकर 7.8 के बीच हमारा शरीर परास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, लिथियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, CaCl2 जो है आयनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उपधातु है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, Sb जो है निम्नलिखित में से उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, बोहर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है तो क्या बनता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, एथाइन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन समावयवी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, C2H5OH और CH3OCH3 जो है निम्नलिखित में से समावयवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग वन के तत्व कहलाते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, क्षार धातुएं कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, 30.5 किलो जूल मोल जो ADP के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, जल का वहन में जाइलम उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, कॉकरोच में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्त क्रिया क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, सभी है, ला रान्हा, रक्तदान, हृदय गति प्रतिवर्त क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, मस्तिष्क गुहा में कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, तंत्रिका कोशिका जो है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किसे होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल में नर जनन अंग होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, पुंकेसर जो है फूल में नर जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, ऑटोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी और चमगादड़ के पंख है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, समजात अंग पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है, शाकाहारी जो है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 3 होगी ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का उपयोग होता है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, इनमें सभी में, मोटर वाहन में, जलयान में, वायुयान में पेट्रोलियम का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है? तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन बी है, पौधे जो है कोयला का मुख्य स्रोत है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।